Hola amigos, कैसे हो सब? ठीक हो? I hope तुम सब बहुत बढ़िया होगे यार। And we're back with some more wildlands और ये episode in particular होने वाला है थोड़ा सा different because this mission to be exact is one of the most intense missions I have personally come across in Ghost Recon Wildlands भाई साहब। मतलब mission is not that big of a deal अगर आप वैसे linear way में सुनते हो उसको। We just have to get inside a larger than life unit at base. Kill someone called El Comandante and get back out without being detected, okay? Because agar hum detect ho jate hain, so the whole thing will go down to I don't know what, to gutter basically, because yahan par itne zyada soldiers hai, itne zyada unit ke log hai, that they'll come to us in thousands, bhai sahab, hai na? And basically main aap logon ko ye batana chahunga ki this particular mission took me around 4 hours to complete. Because it took 4 hours of everything, bhai sahab. 4 hours of frustration, 4 hours of scanning the things, 4 hours of running around, 4 hours of trying to kill everyone in there, and 4 hours of insane frustration, insanity, bhai sahab. और वही 4 hours आज आप देखने वाले हो in 20 minutes में यहाँ पे. So basically, let's just begin. सबसे पहले तो हम लोग काफी मतलब normal तरीके से इस mission को शुरू किया था हम लोगों ने as always. We knew this was a friggin' pad, like बहुत ही ज़्यादा बड़ा base था ये, आप लोग खुद भी देख सकते हो, look, just look at this base, man. So first things first, all we had to do was, you know, shoot down some snipers, क्योंकि snipers ही होते हैं जो आप लोगों को दूर से देख भी सकते हैं, है ना? So that's all we were trying to do first, पर सबसे उसके भी पहले हम लोगों को figure out करना था एक way जिसमें हम थोड़ा base के और करीब जा सकें, because these were all मतलब काफ़ी दूर रखे हुए थे हम लोगों को. And one thing about this base was the generator, क्योंकि हमारा drone बिल्कुल work नहीं कर रहा था यहाँ पे. At least inside, मतलब base के जो range होगा ना उसके अंदर नहीं कर रहा, तो हम we thought of going to a mountain, वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा drone लिया जो आपने अभी देखा होगा. And then as we moved closer, the drone didn't work, so all we had was the binoculars and stuff. तो धीरे धीरे सबसे पहले मैंने यहीं से शुरू किया कि we'll figure out where the snipers are and we'll try to shoot them one by one. और वंस वी गेट अ पॉइंट जहाँ से हम एंटर कर सकते हैं उस जगह पे इस बेस के अंदर, सो वील गेट थ्रू इनसाइड एंड वील फिगर इट आउट वन स्टेप एट अ टाइम. दैट वाज व्हाट आई वांटेड इट टू डू, लाइक व्हाट आई वांटेड दिस गेम टू बी लाइक, ओके? बट दैट डिडंट एंड वेल, जैसा कि आप देखोगे थोड़ी देर में. So first things first, I had to figure out a way inside, जैसा कि मैंने कहा, और कोई और way नहीं मिल रहा था मुझे, so I thought let's try to, you know, bring the fence down through some C4, guys. And I was hoping कि कोई नहीं सुनेगा इसको, और किसी ने सुना भी नहीं मेरे हिसाब से, cause alert वगैरह कुछ भी लिख के नहीं आया, वैसे 100 लिख के आया था, but I ignored that. And I thought we'll be in the मतलब बुशेस वगैरह में जाकर हम लोग करेंगे ये काम, एंड मे बी दैट विल वर्क आउट फॉर अस. बाकी तो आप देखोगे कैसे क्या वर्कआउट करता है इस वीडियो में. ओके, सो देयर आर टू स्नाइपर्स ओवर देयर, उनको मारना बहुत ज़रूरी है भाई साहब, क्योंकि ये स्नाइपर लोग बहुत दूर से हमें देख सकते हैं एंड दे कैन शूट अस डाउन इन वन बुलेट्स मैन, विच इज़ रियली टेरेबल. काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उस वजह से. एक बार हमारा स्लिंग शॉट फिर से लोड हो जाए ना, आई शूट डाउन दो स्नाइपर्स, वो जो दो दो उधर है, एक उस कोने में और एक जो ऑपोजिट कोने में, उनको मार देता हूँ. राइट हियर दिस गाय. ओके, लेट्स स्लिंग दोस शॉट्स एंड शूट दोस गाइस. ओ भाई, यहाँ भगते हुए हैं वो लोग. डू दे नो दैट समथिंग हैपेंड? आई डोंट नो मैन. तो यही सब चल रहा था यहाँ पे एंड आई थॉट कि इन दोनों को भी मार देते हैं हम लोग वंस द सिंग शॉट, बट दिस वाज द मोमेंट व्हेन एवरीथिंग वेंट साउथ भाई. गेट द हेल आउट ऑफ देयर. वेल, आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ स्टार्टिंग ऑल ओवर बीइंग डिटेक्टेड और किल्ड ऑफ, स्मैशिंग फिस्ट ऑन द वॉल्स एंड गेटिंग डैम फ्रस्ट्रेटेड बाय साहब, वी फाइनली वेंट टू दैट स्पेस जहाँ पर हम शायद ये मिशन कम्प्लीट कर पाएंगे. बिकॉज मैंने ये सोच लिया था कि अगर अब नहीं हुआ यार तो मैं आज तो कम से कम इस मिशन को नहीं करने वाला. वी आर डन विद Ghost Recon Wildlands फॉर टूडे. सो आई थॉट दिस वुड बी द लास्ट
क्या बोलते हैं उसको, लास्ट ऑप्शन या लास्ट मोमेंट वेयर आई वाज ट्राइंग दिस मिशन, और अगर इस बार भी हम फेल हो गए भाई तो आई एम डन फॉर टुडे मैन, एंड दैट्स द पॉइंट जो आप अभी देखने वाले हो. ओके, सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना नहीं किया है तो. दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग गाइस. ओके, देखो मैं शुरू में ही बाई डिटेक्ट होने वाला था बट नहीं हुए. सो देयर वाज अ स्नाइपर, सबसे पहले मैंने यही सोचा एज ऑलवेज कि स्नाइपर को डाउन करते हैं भाई. एक को डाउन कर दिया था, इसको डाउन करना भी बहुत जरूरी था बिकॉज ही वुड हैव सीन द बॉडी एंड टोल्ड एवरीवन अबाउट इट. तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया, और वहां पर चल के देख सकते हो आप, हम लोग यहाँ पर कुछ बंदे हैं जो एंट्री पॉइंट पर ही घूम रहे हैं भाई. तो यहाँ से एंट्री करना विल बी सुसाइड, जो हम लोग नहीं करने वाले. वील बी एंटरिंग फ्रॉम अनदर टावर, मतलब वो जो टावर था ना आपने इसके पहले देखा होगा जहाँ पर हम लोग शूट डाउन कर रहे थे उस स्नाइपर को, वही एक चीज है जहाँ से हम एंटर डाउन कर सकते हैं. बट फॉर एंटरिंग दैट थिंग वी हैव टू शूट डाउन अ कपल ऑफ स्नाइपर्स टू, बिकॉज उसके आस पास उसके सामने भी एक स्नाइपर है जैसे कि ये आपको दिख रहा है, और उस बेस पर भी एक स्नाइपर, उसके नीचे भी एक बंदा खड़ा रहता है भाई. दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एंड दिस इज रियली इंटेंस टू बी ऑनेस्ट. रॉजर, टारगेट एक्वायर्ड. एक्वायर हो गया है एंड आई थिंक उनको कोई देखेगा नहीं, आई होप दैट, एंड वी शॉट देम डाउन. प्लस यहाँ पर एक बंदा खड़ा है देखो, ये इसको तो मैंने उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी. एंड दैट्स द पॉइंट वेयर फ्रॉम वेयर वील एंटर द बेस, बिकॉज मेरे हिसाब से मैंने थोड़ा सा जॉट डाउन किया तो मुझे लगा यही सबसे बेस्ट प्लेस है, बिकॉज द एक्सेप्ट फॉर दैट स्नाइपर एंड द गाय स्टैंडिंग इन स्टैंडिंग राइट बिलो इट, वहाँ पर उस जगह पर कोई और बंदा था नहीं जो, या कोई भी पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी आज तक कि हम वहाँ से एंटर करने में कोई प्रॉब्लम हो, राइट. सो दैट वॉज आर प्लान, दैट वॉज माई प्लान टू एंटर फ्रॉम देयर. और वंस वी एंटर्ड, आगे देखो क्या होता है ना, बिकॉज दिस वॉज माई लास्ट थिंग, माई लास्ट ट्राई आप कह सकते हो, एंड आई वॉन्टेड दिस टू बी द बेस्ट वन येट, एंड आई वॉन्टेड टू टेक इट स्लो. सबसे ज़्यादा स्लोली ही करना पड़ेगा हम लोगों को ये, बिकॉज दैट्स हाउ वील गेट इन साइड दिस फुल्ली लोडेड यूनिडैट बेस. भाई साहब, आई नेवर रियली लाइक यूनिडैट बेस. अगर आप लोगों ने पुराने मिशन देख रखे हैं, पुराने स्टोरी लाइन्स देख रखी है, तो अब मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये यूनिडैट इज रियली टेरेबल भाई. यूनिडैट से पंगा लेना बहुत दिक्कत देता है, बट वी हैव टू डील विद देम सम टाइम, बिकॉज ये एल कॉमोडांते वाला मिशन है, दिस इज रियली नॉट अ पीस ऑफ केक एट ऑल. दो बंदे तो कहीं दिख रहे हैं मुझे, बट आई डोंट नो इफ दे आर रियली क्लोज इनफ टू मी और नॉट. बाकी तो हमें जाकर ही पता चलेगा आगे. वी जस्ट डोंट वॉन्ट टू गेट डिटेक्टेड, बिकॉज दैट विल एंड इट ऑल फॉर अस. ओके, तो ऊपर स्नाइपर है एक, देखो यार मैं सोचा मैं जैम्ड है तो भी शायद दिख जाए, बट नोबडी वॉज सीन, मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा था मुझे वहां पे, सो दैट वॉज ऑल वेंट डाउन द ड्रेन. और देखने में ये मिशन काफी इजी लग रहा था, वी जस्ट हैव टू गेट इन एंड किल द गाय एंड गेट आउट, बट यूनिडैट के साथ इट्स नेवर इजी भाई. और दिस टाइम तो भाई बहुत ज्यादा खतरनाक था ये, मतलब दिस वॉज अ रियली हाई लेवल ऑफ गेम, मतलब ये मिशन जो था वो काफी हायर लेवल पे था, एंड वी स्टिल ट्राइड इट, एंड वेल whatever happened is right in front of you. Okay, so just like a ghost we went in slowly, and sab kuch humne bahut slowly karne ki hi koshish kari yahan pe. There was a guy in there, uske saath dekho koi mujhe nahi dikh raha koi hai upar, at least wo ek ikhlauta sniper hai, right. पर मुझे ये नहीं पता, बिकॉज वहाँ पे पर्पल लाइन पर्पल वो शेड्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एक या दो बंदे तो एटलीस्ट होंगे स्नाइपर के आसपास, या तो मे बी टावर के नीचे होंगे समवेयर. सो आई हैड टू फिगर इट आउट कि हम लोग उसको कैसे उड़ेंगे. पर उससे पहले देर वर मोर गाइस ओवर हेयर, जैसा कि हमने देखा था जहाँ पे एंट्रेंस थी ना वहाँ पे चार बंदे थे, एंड वी हैड टू यू नो शूट डाउन दोस फोर गाइस आल्सो. और ये दो बंदे तो भाई बाहर ही घूम रहे थे. इनको मारना बहुत जरूरी था, बिकॉज ये हम लोगों को आराम से डिटेक्ट कर सकते थे वंस दे आर इनसाइड. ओके, सो देन द नेक्स्ट टारगेट फॉर मी वाज दीज फोर गाइज. ओके, बिकॉज अगर अलर्ट होता तो दीज फोर गाइज वुड बी द वंस हु वर रियली क्लोज टू अस, और ये सबसे पहले दौड़ते हुए आते भाई साहब और मार देते हम लोगों को, मतलब मार ना भी पाते. सो
those could have been the guy who would detect us, right? So I wanted to shoot those guys first. तो हमने slingshots की मदद लेने की कोशिश की यहाँ पर. Let me find a good position. Copy that. Moving. Copy. Target. All the members shoot down one. Target acquired. And we'll be done with this one. Ready? Go. Taking a shot. That guy's here. See? क्लियर कर दिया हमने एरिया बिल्कुल आसानी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. सो द नेक्स्ट स्टॉप फॉर मी वाज दैट स्नाइपर गाय पर हेलीकॉप्टर आ गया तो हमें थोड़ा सा भागना पड़ा इधर उधर बिकॉज हेलीकॉप्टर वाला सिस्टम थोड़ा दिक्कत कर देता एंड ही वुड हैव फिगर्ड अस आउट इन नो सेकंड्स मैन. तो यहाँ वो स्नाइपर जो बैठा हुआ था एंड उसके नीचे मुझे डाउट था कि कोई है एंड वी फिगर्ड इट आउट कि कोई था. दिस वॉज द गाय सो देयर वॉज द स्नाइपर एंड दिस गाय और कोई भी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा था जस्ट दीज टू गाइज थे वहाँ पर एंड मुझे लगा सिंग शॉट से हम लोग ये ले सकते हैं सो आई टुक दैट शॉट एंड दैट क्रिएटेड अ लिटिल प्रॉब्लम फॉर अस बिकॉज वो जो बॉडी गिरी ना ऊपर से उसको डिस्कवर कर लिया किसी और बंदे ने एंड देयर वाज दिस पर्पल क्लाउड वो जो धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था और वी हैड नो वे टू फिगर आउट कि वहाँ कितने बंदे हैं राइट. वो पर्पल क्लाउड देख के मुझे यही लगा कि वहाँ पे एटलीस्ट 3 से 4 बंदे तो होंगे जो इस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बिकॉज मे बी दे फाउंड द बॉडी दे सीन द बॉडी फॉलिंग ऑफ दैट टावर पर वी कुड नॉट यू नो वी मतलब हम ये नहीं कर सकते थे कि भाई सामने आके मार दे उन लोगों को बिकॉज वी डिडंट नो हाउ मेनी ऑफ पीपल आर देयर. अगर 2-3 होते तब तो कोई दिक्कत नहीं होती बट अगर किसी ने भी इनमें से अलार्म बजवा दिया और भी पेट्रोलिंग वगैरह व्हीकल्स को या हेलीकॉप्टर को बुला लिया सो दिस मिशन विल बी डन फॉर अस भाई. तो बहुत ही शांति से मुझे करना था एंड दैट्स व्हाट वी एक्चुअली डिड आल्सो शांत रह के आराम से वी डिड ऑल दैट. ओ भाई साहब दिस वाज द मोमेंट जिसमें मुझे लगा दिस वाज डन बट थैंकफुली उन लोग नहीं देख पाए हम लोगों को. देयर वाज जस्ट लाइक फ्यू मिली सेकेंड्स का देरी रह गई थी भाई वरना वो सब फिगर आउट कर लेते मुझे. सो आई हैड टू स्टे लो स्टे क्वाइट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे पेशेंट भाई साहब. The key was to be methodical and to think like a ghost. तो figure out करना यही था अभी कि how many people. मुझे लगता है 3 लोग तो मैंने अभी देखे थे जब उन्होंने मुझे figure out करा था थोड़ा हल्का सा but मैं भाग गया वहां से. 3 लोग तो थे but आई एम गेसिंग देयर इज अनदर गाय ऑल्सो मतलब टोटल 4 लोग तो है यहाँ पे मेरे हिसाब से एंड वी हैव टू टेक देम. सी दिस द गाय ओ भाई साहब ये भी देख लो. वी कैन नॉट लेट दैट हैपन राइट नाउ भाई क्योंकि मैं काफी ज्यादा मशक्कत से यहाँ तक पहुंचा हूँ एंड आई डोंट वॉन्ट वन गाय टू सी मी एंड अलर्ट एवरी वन एंड दिस मिशन गोज डाउन द ड्रेन भाई. तो हमें ये फिगर आउट करना था मैं मतलब इसीलिए मैं अपना टाइम भी ले रहा हूँ इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि वी आर टेकिंग आर ओन टाइम इन देयर बिकॉज दैट्स हाउ घोस्ट वर्क राइट. यू कैन नॉट जस्ट कम इन मतलब घोस्ट तो भाई वैसे तो सामने भी आ सकते हैं ऐसे बट वी हैव टू बी रियली काम और ये पेशेंट का गेम है एंड आई वॉन्टेड दिस मिशन टू बी फुल स्टेल्थ भाई फुल ऑन स्टेल्थ जितना भी हो सके एटलीस्ट जब तक हम उस एल कमांडेंट को मार दें तब तक आई वॉन्टेड दिस टू बी स्टेल्थ. So I figured this one guy out जो कि अपने आप घूम रहा था but I didn't know कि ये अकेला है कि नहीं because another guy also came around. अगर मैं इसको मार देता अभी तो maybe he would have found the body and that would be the end for us. तो ये काफ़ी ज़्यादा ifs and buts वाली सिचुएशन थी हमारे लिए because I wanted to figure the guys out. मतलब मैं चाहता था कि सबसे पहले मुझे दिख जाए वो जितने भी बंदे यहाँ टहल रहे हैं एंड अगर मिल जाए ना अगर तुम्हें बंदे दिख जाते तो इट्स रियली ईजी मतलब तुम्हें पता है वो कहाँ पर जा रहे हैं किस मोमेंट पर जा रहे हैं बट इफ़ यू कांट सी देम और वो पर्पल क्लाउड ही आता है आपके पास सो इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू यू नो गेट इन एंड गेट ऑल दैट शिट डन. सो आई सिंग शॉट तो मैंने कर दिया था बट मैंने सोचा कि यार उधर सिंग शॉट करूँगा तो शायद हो सकता है डिटेक्ट हो जाए हम लोग. सो आई गेस्ट कि मे बी वी कुड टेक दिस गाय आउट बट वहां पर जाके मुझे पता चला कि देयर वाज अनदर गाय स्टैंडिंग राइट हियर. तो वी फाउंड कि यहाँ पर 2 बंदे तो एटलीस्ट थे यहाँ पे जिनको हमने फिगर आउट कर लिया था अभी और उसके अलावा एक और बंदा था जो अभी पीछे गया था राइट जो हमने देखा था थोड़ी देर पहले एंड दिस गाय वाज गोइंग टू फिगर मी आउट अगेन
तो हमें रन बैक करना पड़ा थोड़ा सा. कभी कभी ना हल्का सा दिखा के तुम्हें वापस वापस भागना पड़ता है, सो दैट द गाइज वुड कम टू यू, यू नो. अदरवाइज वो कहाँ घूम रहे होंगे, किधर घूम रहे होंगे, तुम्हें पता चल नहीं पाएगा इतना ज्यादा. एंड आई थॉट कि ये बंदा जो है वो शायद अकेला हो गया यहाँ पर. सो दैट वॉज अ चांस टू एटलीस्ट डिलीट वन गाय फ्रॉम दिस होल सिनेरियो. तो हमने वो किया. उसके बाद हम आगे बढ़े एंड आई फिगर्ड आउट दीज थ्री गाइज. तो जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे चार ही बंदे थे, एक को हमने अभी उड़ाया और तीन गाइज साथ साथ घूम रहे हैं भाई. तो ऑल वी हैड टू डू वॉज टेक द सिंक शॉट्स. मतलब सिंक शॉट्स के बिना दिस वुड हैव बीन डिफिकल्ट, कॉज प्रॉब्लम्स हो सकती थी, बिकॉज दीज गाइज आर, मतलब मोस्टली ये तीनों ना साथ ही घूम रहे थे. बट दिस वॉज द मोमेंट वेन वन गाय वेंट अवे. तो मैंने सोचा तीनों को सिंक शॉट ले लेते हैं एंड वील डिस्ट्रॉय दीज गाइज. और वो बंदा भी खैर इधर ही आ रहा था. ऑल ऑफ दिस गाइज वर कमिंग टूवर्ड्स मी एंड आई हैड दिस जस्ट फ्यू सेकेंड्स टू यू नो सिंक शॉट देम राइट नाउ. And that's how we cleared this region. And once this region was done, it was kind of easy for me to, you know, get inside thoda aur, because yahan par aur zyada bande the nahi is time par, at least is region mein nahi the, because ye kafi bada Unidad base hai. Jaisa ki maine kaha, jaisa ki aap log ne dekha bhi hoga jab maine Unidad base hum log figure out kar rahe the drone wagera se starting mein, and humne generator band kar diya so we could, you know, throw away our drone here and there. We rattled somebody's cage. To basic bas yahi bacha tha ki once we figure out ki El Comandante jo bhi hai वो हमें मिल जाए यार, ताकि वो बाहर निकल जाए एंड वी किल हिम एंड यू नो रन अवे फ्रॉम हियर एज सून एज पॉसिबल. और मैंने एक और स्नाइपर को देखा वहाँ पर भाई, दो स्नाइपर थे वहाँ पर. ओके सो वी सिंक शॉट दो स्नाइपर्स आल्सो. और ये देखो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया, अगर हम यहाँ पर जाते ना ढूंढने के लिए उसको, सो इट वुड हैव बीन रियली टेरिबल फॉर अस और काफ़ी ज़्यादा टाइम मुझे और भी लग जाता है यहाँ पे. सो मैंने फिगर आउट किया कि हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे, वी विल ट्राई टू डू इट स्लोली. अगर जाना पड़ा तो जाते भी भाई, बस प्रॉब्लम होती. एंड सी देयर वाज द अलार्म और वहां पे मच गई भगदड़. मतलब और आई डिडंट इवन नो ये हुआ कैसे भाई, बिकॉज हमने स्नाइपर्स को मारा. आई डोंट नो हाउ दे फिगर्ड दिस आउट एंड दे एंड स्लोली स्लोली भाई तीन चार बंदे, चार पांच बंदे सारे हम लोगों की तरफ भागने लगे. एंड दैट वॉज ऑल्सो द टाइम, हालांकि ये बहुत ही अनयूजल था, बट दैट वॉज ऑल्सो द टाइम वेन एल कोमदांते केम आउट. और मुझे लगा दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी टू किल दैट गाई डाउन. ये नहीं करना चाहिए था मुझे, भागो भागो पीछे जाओ. एक मिनट. सो आई फिगर दिस आउट कि यहाँ पर ये चार पांच बंदे आ रखे हैं एंड वी कुड किल दिस गाइज आउट. और उसी में से एक एल कोमदांते भी है, मे बी इफ यहाँ पे एल कोमदांते को हम लोग मार दें एंड उसकी फोटो खींच के कैरन को भेज दी थी वो कर दे, सो दिस मिशन विल एंड and maybe then we can, you know, run away from here, cause कोई लड़ने नहीं चाहता भाई उन्हीं रैट सोल्जर से ज़्यादा. और इनके आर्मर्स भाई साहब इतने खतरनाक होते ना, we were engaged, but the thing was कि बाकी जो सोल्जर्स थे ना वो काफ़ी दूरी पे थे, so they would take their time to come to us, right? और हमने तब तक ये फोटो खींच के उसको भेज दी कैरन को. Looks like the bigwigs in the capital sent Miguel to Media Luna. I'm guessing he had a secret mission to take over Bolivia's cocaine trade. Looks like we ruined the party for everybody. Something tells me the big boys in La Paz won't be happy with us. Let's see who you really are. And finally, guys, after 4 hours of frustration, after 4 hours of banging my head, and after 4 hours of thinking ki bhai kya hi galat kar raha hu main, kaise kar lu ye mission, we finally did it. एंड यू नो जब तुम एक मिशन कर रहे हो, तो मतलब तुम एक गेम खेल रहे हो और तुम उसमें काफ़ी ज़्यादा बार फेल हो रहे हो, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड, बट वंस यू फिगर इट आउट, वंस यू डन विद इट, इट रियली फील्स अमेजिंग भाई साहब. एंड दिस वॉज आवर वीडियो फॉर टुडे. अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं किया तो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन गाइस.